सिवनी जिले में काफी गौवंश का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अब ये किसके संरक्षण पर चल रहा है ये कह पाना मुश्किल है। हम आपको बता दें कि 26 मई की रात्रि को भी गायों को तस्करों को द्वारा कसाई खाना ले जाया जा रहा था। मामला आदिगांव थाना अंतर्गत ग्राम मढ़ी का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पैदल रास्ते से कुछ लोग मवेशियों को कसाई खाना ले जा रहे हैं। इसको मौके पर आदिगांव थाना प्रभारी ईश्वरी पटले ने आनन फानन में मढ़ी सोसाइटी के पीछे से 3 आरोपियों को धर दबोचा। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्करों ने लगभग 24 नग मवेशी आदिगांव मढ़ी के रास्ते सिवनी जिले के बॉर्डर गौर पानी पहुंचा रहे थे। इसमें आदिगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और उसके बाद इन्हें धर दबोचा गया। आज दिनांक 27/5/21 की रात्रि में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ 3 व्यक्ति के द्वारा 24 नग जानवरों को कुर्ता पूर्वक मणिपुर ला रहे हैं, तो जिसकी मुखबिर की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा दबिश देके जानवरों और 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनको लाकर जानवरों को गौशाला छोड़ के उनको 3 व्यक्तियों के विरुद्ध में धारा सदर का अपराध पंजीकृत कर वेतन लिया गया। आरोपियों को जेल पे भेजा गया है और जिनका जो मुख्य मालिक था वो रामदयाल है, प्रधान है, ग्राम सुंडे गांव का है, थाना हर्रा ही पड़ता है, उसको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है।